बोलो मन प्लीज बेटा। अल्फा एक्स इज कंटिन्यूअस इन, लेम्मा का स्टेटमेंट दे रहा है कि अल्फा एक्स कैसा फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर कंटिन्यूअस, और ये कंडीशन दे रखी है अल्फा एक्स एच एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये भी कंडीशन है फॉर एवरी एच एक्स डी वन। डी वन मतलब डी वन का मीनिंग है जो फर्स्ट टाइम ना डिफ्रेंशिएबल हो, जो जिस ऐसे फंक्शन जिनका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएबल हो, सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएबल होगा या नहीं होगा इस बात की गारंटी नहीं है। तो ये क्लास है या सेट है कौन से फंक्शंस की जो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएबल होंगे, सच दैट ये कंडीशन दे रखी है। तो ये यहां से लेके यहां तक की कंडीशन गिवन है और हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि अल्फा एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा फॉर ऑल। तो लेट अल्फा एक्स ना सॉरी सी बी द कॉन्स्टेंट डिफाइंड बाय द कंडीशन, ये मान रखा है अल्फा एक्स इक्वल टू सी प्रूव करने के लिए सी को ये मानना कि एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है डिफाइंड बाय द कंडीशन, इस तरह कंडीशन से डिफाइन है, ये इक्वेशन वन होगी। एस फंक्शन भी डिफाइन कर दिया अल्फा जीटा, तो ये कंडीशन भी मान रखी है, ये कंडीशन भी मान रखी है अल्फा जीटा सी डी जीटा फॉर ऑल, ये दूसरी इक्वेशन है। तो कह रहा है कि एस फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर ऊपर डिफरेंशिएबल होगा, तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे लेबनीज रूल से, तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स यहां नहीं है तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस जीटा की जगह अपर लिमिट पुट करते हैं तो यहां अपर लिमिट पुट कर देंगे अल्फा एक्स माइनस सी डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस माइनस फिर जीटा की जगह सी ए पुट करेंगे, ए का डेरिवेटिव तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसका जो डैश करेंगे लेबनीज रूल से वो क्या आएगा अल्फा एक्स माइनस सी, तो इसका डेरिवेटिव ये मिल गया ये फंक्शन। अब सी सी कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन है और अल्फा एक्स क्वेश्चन में दे रखा था कि कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल, तो उनका जो डिप सी कॉन्स्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। तो ये हमें कोई ना कोई एक फंक्शन मिल गया, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। तो फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव मिल गया तो ये फंक्शन डी वन क्लास के अंदर बिलोंग कर जाएगा फ्रॉम वन एंड टू से। अब फ्रॉम वन एंड टू से क्या कह रहा है, अब यहां ए पुट करेंगे मान लीजिए एच ए, तो अपर और लोअर लिमिट सेम होगी तो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम या बी पुट करेंगे तो ए से बी इंटीग्रेशन हो गया, और डेफिनेट इंटीग्रल होता है तो उसमें वेरिएबल चेंज करने के बाद इसकी वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी, तो एक्स की जगह बी पुट कर देंगे, और जिट्टा को डेफिनेट इंटीग्रल है तो वैल्यू अनचेंज रहेगी वेरिएबल के चेंज करने से, तो यहाँ एक्स लिख देंगे जिट्टा की जगह, तो फिर ये कंडीशन यूज करेंगे तो फिर ये बी पे भी जीरो हो जाएगा। तो अब हाइपोथेसिस क्या कह रही है, हाइपोथेसिस में ये कंडीशन गिवन है एच एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, या हाइपोथेसिस में देख सकते हैं कंडीशन गिवन है। नाउ अब हमने ये अपनी तरफ से लिया ए से बी अल्फा एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर डीएक्स, अब इसको दो बार लिख देंगे अगर दो पावर है, तो अल्फा एक्स माइनस सी इंटू अल्फा एक्स माइनस सी, तो अल्फा एक्स माइनस सी किसके इक्वल टू है एच डैश एक्स के, तो जो जब इसको दो बार ब्रेक करके लिखेंगे अल्फा एक्स माइनस सी इंटू अल्फा एक्स माइनस सी, तो अल्फा एक्स माइनस सी किसके इक्वल टू है एच डैश एक्स के इक्वल टू। अब एच डैश एक्स को एक बार अल्फा एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार सी के साथ, और इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो ये वाला इंटीग्रेशन है ये तो हाइपोथेसिस से जीरो हो गया, और ये सी कांस्टेंट है तो एच डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा एच एक्स अपर लिमिट लोअर लिमिट, लेकिन एच की वैल्यू बी पॉइंट पे भी जीरो है ए पे भी जीरो, तो जीरो हो गया। तो हमने इस इवन फंक्शन नहीं सॉरी पॉजिटिव फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो जीरो दिखा दिया, तो जीरो दिखा दिया। तो अगर कोई भी फंक्शन पॉजिटिव है क्योंकि इवन पावर है तो पॉजिटिव, अगर उसका इंटीग्रेशन जीरो आ रहा है तो फिर वो फंक्शन जीरो ही रहेगा, नॉन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नॉन जीरो हुआ ये फंक्शन, नॉन जीरो फंक्शन हुआ
तो फिर इसका इंटीग्रेशन अगर ये नॉन जीरो हुआ और पॉजिटिव फंक्शन भी है, नॉन जीरो अगर पॉजिटिव फंक्शन है तो फिर उसका उसका जो एरिया होगा ए से बी वो पॉजिटिव रहेगा, जीरो नहीं होगा। तो अगर इससे पॉजिटिव मानते हैं कि ये जीरो नहीं होगा तो फिर ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो फिर ये जीरो ही रहेगा। यही प्रूव करके दिखाना था।